वाइट ब्रेकफास्ट मेरा तैयार है और मैं इसे अच्छे से खा लूंगी मेरे ब्राउनी से। हाय ब्राउनी। बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत 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 अच्छा है। काश मैं आपको टेस्ट करा सकती हूँ। आपको तो पता ही चल गया होगा टाइटल देख के कि मैं आज पूरे दिन सिर्फ व्हाइट फूड ही खाने वाली हूँ। मतलब 24 घंटे मैं सिर्फ व्हाइट फूड पे ही रहने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप बोलोगे कि कितना लेट उठती है ये, पर मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर हूँ, इसीलिए मुझे रोज बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है और इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है। एटलीस्ट 5 o'clock को मुझे उठना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छे से, आज संडे है इसलिए मैं अच्छे से नींद निकाल लूं और फिर अभी ब्रेकफास्ट मैं करने वाली हूँ। अभी ही मैं सो के उठी हूँ तो मैं अभी सब देखूंगी बाहर जाके कि क्या मिल रहा है व्हाइट कलर का, क्या क्या मैं ला सकती हूँ आज पूरे दिन के लिए व्हाइट कलर का, मैं क्या खा सकती हूँ। तो इसीलिए चलिए देखते हैं। और मैंने चाय भी नहीं पी है सुबह की आप लोगों के लिए, तो फिर आप इतने से के लिए तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो। सो चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ता आता है ना वो दो यही है ना। सो फ्रेंड्स, मैं अभी करने वाली हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत भूख लग रही है तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। और मुझे पता है कि इडली की चटनी में होता है राई, पर वो मैं निकाल दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी फुल व्हाइट डिश के साथ व्हाइट ब्रेकफास्ट मेरा तैयार है और मैं इसे अच्छे से खा लूंगी। पर ये आप जो देख रहे हो ना वो मैं अच्छे से निकाल लूंगी, डोंट वरी। सो फ्रेंड्स, देख रहे हो ना आप, मैं खा रही हूँ चटनी, तो बहुत यम्मी है। और फिर मैं अभी इडली खा के देखती हूँ। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। आप भी आ जाओ खाने के लिए व्हाइट फूड चैलेंज। मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी था। और मैंने बिल्कुल भी कुछ ब्लैक कलर का नहीं खाया, बहुत सारी चीज आई मुझे बीच बीच में पर मैंने निकाल दिया सब उसे। और फिर मैंने कंप्लीट व्हाइट कलर का ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, अब वो तो डन हो गया है। और अब हम करेंगे लंच, वो भी व्हाइट कलर का ही होगा। और बहुत सारी जगह पर मैंने ढूंढा, बहुत मुश्किल से मुझे डिनर तक का सामान मिला है और मैं आपको बताऊंगी जल्दी। और मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी लेडीज थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई वहां पर। और मिली है मेरे ब्राउनी से, हाय ब्राउनी। तो चलिए मिलते हैं आपको लंच के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी रेडी होके आ गई हूँ और अब मैं करने वाली हूँ अपना लंच। और अभी एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं और मैं शूट भी करने वाली हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइट ही खाऊंगी, ज्यादा हैवी नहीं खाऊंगी, नहीं तो ना मुझे नींद जैसी आती है और बहुत हैवी फील होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लाइट ही खाऊंगी और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने वाली हूँ, इसीलिए मुझे फिर लंच करना जरूरी है, राइट। और मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं ओवरऑल व्हाइट में ही हूँ आज, और क्योंकि मैं व्हाइट फूड चैलेंज कर रही हूँ इसीलिए। और चलिए देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं व्हाइट फूड। अब मैं बनाने जा रही हूँ मखाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल भी कर देता है आपका पेट विदाउट एनी फैट्स और एनीथिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी रहता है। और मैं इसी के साथ नींबू पानी भी बनाऊंगी थोड़ी शक्ति के लिए।
सो फ्रेंड्स, मैं अभी इसे खाऊंगी अच्छे से, तो आप देख ही सकते हो पूरे व्हाइट है। अच्छे है पर इतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं इसको मसालेदार जरा बनाती हूँ, हल्दी और मिर्ची की भुकी वगैरह ये सब थोड़ा डाल के। पर अभी मैंने फिलहाल घी और सॉल्ट ही डाला है, क्योंकि व्हाइट कलर ही रहना चाहिए इसका, राइट? इसीलिए फिर मैं अभी खा रही हूँ इसे। नींबू पानी तो बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत 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 अच्छा है। काश मैं आपको टेस्ट करा सकती हूँ। अभी मुझे लगी है बहुत ही ज्यादा भूख, और मुझे मतलब मैंने बहुत ही ज्यादा लाइट लंच किया था, तो मैंने सोचा कि मैं यही स्नैक्स के लिए खा लेती हूँ, जो कि मुझे है मिले हैं व्हाइट कलर के वेफर्स। और अभी एग्जैक्ट बज रहे हैं 6, तो मैं ये मैंने पहले भी ट्राई किए हैं, पर अलग शेप के होते हैं ना, वो ट्राई किए, पर ऐसे शेप के कभी नहीं ट्राई किए। और ये साबूदाना और पोटैटो से आई गेस बनता है, तो फिर देखते हैं। बहुत ही अच्छा है गाइस, मस्ट ट्राई। और ये मतलब आपका फास्ट होगा ना, तो भी बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगा वो फास्ट में। और मेरा तो व्हाइट फूड चैलेंज इससे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, मैं भी जा रही हूँ बाहर, तो आई गेस मैं वहां पर ही डिनर अपना करके आ जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, मुझे बाहर डिनर करना पड़ता है कि मुझे घर पे डिनर करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर खाने आ गई हूँ शॉर्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का, और ये फुल वाइट ही होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे डिनर के लिए ऑलमोस्ट। अभी लग रही है मुझे बहुत ही ज्यादा भूख, तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाइट कलर का तो केला भी होता है, बल्कि बाहर से ही येलो होता है पर अंदर से तो व्हाइट होता है, राइट? तो मैं अभी वो खाऊंगी और मेरी भूख अभी जरा कम करूंगी, और ये मेरा लास्ट चैलेंज होगा आज के दिन का। पर फिर भी मुझे खाना पड़ रहा है। का ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने व्हाइट कलर फूड चैलेंज किया कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, आपको भी मजा आए मेरे वीडियोस देखने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और बताइए अगला चैलेंज कौन सा होने वाला है आपके मर्जी पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, राइट? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।